जय श्री राम। कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया से पहले शरीर को समझना बहुत जरूरी है। काफी पहले ही हमने शरीर के ऊपर वीडियो डाल दी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ है वह इंसान के शरीर में विराजमान है। उसके सब तत्व शरीर के दो हिस्सों में बटे हुए हैं, पहले हिस्से में सिर और दूसरे हिस्से में मेरुदंड। मेरु मेरु को इंग्लिश में स्पाइन बोलते हैं। दूसरे हिस्से में टांगे आती हैं। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है शरीर को जोड़ता है और यह दिमाग को नियंत्रित भी कर देता है। ये जो हमारी चेतना है वो दौड़ती भागती रहती है हमारे मेरु में, और इसी में ये सातों चक्र जो है एक सीध में लगे हुए हैं। ये जो सात चक्र हैं, ये सातों लोक हैं। इन सातों लोकों में यानी इन सातों चक्रों में कर्मों के फल संचित होते हैं। कर्मों के फल संचित होने के कारण पुनर्जन्म होता है। जब व्यक्ति इन कर्मों से मुक्त हो जाता है यानी जब सातों चक्र जागृत हो जाते हैं तो वह मोक्ष को प्राप्त होता है। भू भूवर स्वर्ग तप जन मह और सत्य, ये सात लोक हैं। इनमें से पांच तो मेरु में है और छठा जो है हमारे भ्रुकुटी यानी आज्ञा पर है, और सातवां जो है वो हमारे दिमाग के ऊपर यानी कि सहस्त्रार चक्र जहाँ पे है वहां पर विराजमान है। पांच मेरु में, छठा भ्रुकुटी पे और सातवां जो है दिमाग के ऊपर सहस्त्रार। शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना है, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। मूलाधार चक्र में पृथ्वी, स्वादिष्ठान में जल, मणिपुर में अग्नि, अनाहत में वायु, विशुद्धि में आकाश। इन चक्रों को कोई भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकता। एक मानव जब देख सकता है जब वह एक किसी प्रक्रिया से गुजर रहा हो। ये तो एक प्रक्रिया के तहत ही वो इन सातों चक्रों तक, इन पांचों तत्वों तक पहुंच सकता है, उनको देख सकता है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ये चक्र जो है गायब हो जाते हैं। मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी के शुरुआती भाग यानी गुदा द्वार के पास होता है। सबसे पहले यहां ध्यान को लाया जाता है। अब जो हम बताने जा रहे हैं इसको बहुत ध्यान से सुनना। यह कुंडलिनी शक्ति के बैठने का स्थान है, तो आपको क्या करना है, ओम की मध्यम ध्वनि के साथ आपको प्राणायाम की शुरुआत करनी है। सीधे हाथ के अंगूठे से अपनी दाई नासिका को बंद करें और जब आप सांस अंदर खींचते हैं तो मन ही मन तीन बार ओम का उच्चारण करना है, जितना लंबा हो सके। फिर क्या करना है, जब आप सांस पूरी अंदर खींच लेते हो तो 12 ओम आपको सांस रोककर बोलना है मन में ही, ठीक है, और बाई नासिका से सांस छोड़नी है। अब क्या करना है, अब जो दाएं से किया वो बाएं से करना है। बाएं हाथ के अंगूठे से बाई नासिका बंद करनी है, सांस अंदर खींचते हुए तीन बार ओम, और जब सांस अंदर पूरी भर लो तो 12 ओम का अभ्यास और फिर दाई नासिका से उसको छोड़ना है। ये तो आप कर रहे हो, लेकिन ये कल्पना भी करना जरूरी है कि प्राणवायु कुंडलिनी को जगा रही है आपके भीतर, उसका जो है जागरण हो रहा है, ऐसा विचार करना चाहिए। हमने कई दफा कईयों को कमेंट के द्वारा भी बताया है और वीडियो के माध्यम से भी, विचारों में बहुत वजन होता है। इसके बाद क्या करना है, 6 ओम सांस खींचकर इतना हमको यहां तक पहुंचना है, ठीक है। शुरुआत में तो आप तीन करोगे, तीन में ही आपकी सांसें अटक जाएंगी, तीन में ही ऐसा लगेगा जैसे आप मृत्यु लोक को प्राप्त होने वाले हो। तो धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाएं, वो 3 से 4 होगा, 4 से 5 होगा, 5 से 6 तक उसको ले जाएं, ठीक। तो 6 ओम सांस खींचकर इतनी ही देर सांस छोड़कर आपको जो है इस तरीके का अभ्यास किया जाना चाहिए। इससे कुंडलिनी जो है जल्दी जागृत हो जाती है। इसे क्या करना है, आपको सुबह 3 बार और शाम को 3 बार करना है। फिर धीरे धीरे अपनी क्षमता के मुताबिक आपको जो है अपना जो है समय बढ़ाना है। फिर आप सुबह कितनी बार करना चाहो वैसे कर सकते हो, शाम को कितनी बार करना चाहो वैसे कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, जितना ध्यान आपका एकाग्र रहेगा कुंडलिनी उतनी जल्दी जागेगी और उतनी अच्छे से जागेगी। प्राण शक्ति के मूलाधार चक्र से
सहस्त्रार चक्र तक चलने को शक्ति चालिनी या शक्ति चालना कहते हैं। अच्छे नतीजे पाने के लिए पद्म या सिद्धासन में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। सबसे पहले अपने गुरु को या अपने परमात्मा जो आपके इष्ट हैं, दोनों का वंदन करके आपको उसके बाद ही प्राणायाम की शुरुआत करनी चाहिए। ऐसा महसूस करना चाहिए कि आपका मूलाधार चक्र जो है वो खुल रहा है और कुंडलिनी एक चक्र के बाद दूसरे चक्र तक ऊपर की ओर बढ़ रही है। विचारों में बहुत वजन है, जब तक ऐसा विचार नहीं करेंगे कुंडलिनी आपके विचारों के साथ मिलकर साथ आपका नहीं देगी। फिर कुछ देर सांस थम कर यह महसूस करना चाहिए कि मां कुंडलिनी के आशीर्वाद से अज्ञानता का अंधकार मिट रहा है, चेतना का प्रकाश फैल रहा है। सांस छोड़कर धीरे धीरे सांस भरें और महसूस करें कि कुंडलिनी सहस्त्रार चक्र से मूलाधार चक्र की ओर जा रही है। जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो हमें इस तरीके से महसूस करना होगा। बस और कुछ नहीं करना, यही क्रिया दोहराते रहना है। अभ्यास करने से ही सब कुछ होता है। अभ्यास करने से जल्द ही आपको लगने लगेगा कि आप प्रगतिशील हो रहे हो, प्रगति हासिल कर रहे हो। गुरु कृपा हो तो शक्तिपात और संकल्प से भी कुंडलिनी जाग सकती है। इससे यह तय होता है कि साधक अध्यात्म के रास्ते पर कहां खड़ा है। लेकिन कुंडलिनी जागने पर और संपूर्ण समाधि हासिल करने में जमीन आसमान का फर्क है, बहुत फर्क है। कुछ को ये लगने लगता है कि उन्होंने खुद को पवित्र कर लिया है और वो अपनी मर्जी से बीच में ही इस चीज को छोड़ देते हैं और यही उनकी मूर्खता है। कुंडलिनी जाग जाने के बाद इसे सहस्त्रार चक्र तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। यह बहुत धैर्य का काम है, बहुत पवित्रता का काम है। ये नियमित अभ्यास से ही हो सकता है, बिना नियमित अभ्यास के ये कभी नहीं होगा। आप में से बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि हमें उस चक्र पर, किसी भी पर्टिकुलर चक्र पर आपको गर्मी महसूस हो रही है, और हम हमेशा से एक ही जवाब देते आए हैं कि वहां पर ऊर्जा एकत्रित होती है। और जब ऊर्जा एकत्रित होती है किसी एक चक्र पर तो वो उसको भेदने का प्रयास कर रही होती है। तो जब यह एक चक्र को भेदती है तो आपको गर्मी महसूस होती है, लेकिन जब यह एक चक्र से दूसरे चक्र पर जाती है तो वहां पर ठंडक महसूस होती है। कुछ शुरुआती योगी जो बिल्कुल शुरुआत के मार्ग पर हैं, वो महज कुछ आसन करके ये मानने लगते हैं कि कुंडलिनी जो है उनकी गर्दन तक पहुंच गई। हो सकता है उनको कुछ अनुभव भी हुए हों, कुछ सिद्धियां भी हासिल हो सकती हैं। उन्हें ये लगता है कि उन्हें सिद्धियां मिल गई तो उनका लक्ष्य पूरा हो गया। इसके चलने पर वह लोगों के बीच जो है क्या करते हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगते हैं और नाम कमाने लगते हैं। हैं बहुत सारे, बहुतों को तो आप जानते भी हो, नाम से भी और शक्ल से भी। यूट्यूबर्स हैं, बहुत तगड़े, बहुत बड़े यूट्यूबर्स, ठीक है। वो पाठ करते हैं, भगवा पहन के पाठ करते हैं और खूब प्रचलित हैं लोगों में। तो ये एकाद उन्होंने सिद्धियां हासिल करी हैं और अपना अध्यात्म का रास्ता आगे के लिए सदा के लिए बंद कर दिया। ये वापस जन्म लेंगे। योगिक क्रियाओं के अभ्यास से जो सिद्धियां मिलती हैं वो भगवत साक्षात्कार में बाधक होती हैं, इस बात का हमेशा याद रखिएगा। सिद्धियों के पीछे भागना सांसारिक बुद्धि होती है। ऐसे साधक झूठी संतुष्टि पाकर साधना बंद कर देते हैं और अपना नाम प्रचार करने में लग जाते हैं। वो दूसरों के उत्थान में लग जाते हैं। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता बता रहा हो। धीरे धीरे उसका वैराग्य खर्च हो जाता है और कब उसका पतन हो जाता है उसको स्वयं पता नहीं चलता। सन्यासी भेष में रहकर भी अहंकार के कारण वह गृहस्थ ही बना रहता है। दूसरी तरफ परम चेतना अवस्था में समाधि का कोई विकल्प ही नहीं है। इसलिए एक साधक को कभी भी अपना कार्य नहीं रोकना चाहिए। उसे इस भूल में नहीं आना चाहिए कि उसे उसका लक्ष्य प्राप्त हो गया है। आप जिस भी संत का नाम लें, कोई भी बड़े संत जो आपके इस समय दिमाग में आ रहे हैं, उदाहरण के तौर पर हम नीप करोरी बाबा या फिर देवराहा बाबा या ऐसे ही महान संतों का नाम लें,
क्या उन्होंने अपनी साधना बीच में रोक दी? नहीं, देवराहा बाबा तब भी अपनी क्रियाएं करते थे, भगवान का ध्यान करते थे, और नीम करोली बाबा भी अपना ध्यान करते थे, राम राम का उच्चारण करते थे। ये कभी रुकते नहीं है, चाहे इनको कितनी ही उन्नति प्राप्त हो गई हो। ये जानते हैं कि मृत्यु पश्चात हमको मोक्ष ही प्राप्त होगा। हम सूक्ष्म अवस्था में जन का कल्याण करते रहेंगे, लेकिन फिर भी ये अपना कार्य बीच में नहीं छोड़ते। तो इसलिए एक साधक को कभी भी अपना कार्य बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। बीच में केवल वही छोड़ता है जो केवल सिद्धियों तक रहता है, जिसे केवल सिद्धियां हासिल करनी होती हैं, और फिर वह अपना प्रचार करने लगता है। एक असली संत कभी भी अपना स्वयं का प्रचार नहीं करते, उनका प्रचार उनके सेवक, उनके दास करते हैं। वे स्वयं कभी सामने नहीं आते। इसलिए आप इस बात को समझो और आप भी अपनी साधना को कभी भी बीच में मत रोकिए। जय श्री राम।